अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, हमारे यूट्यूब चैनल इमामुद्दीन ऑफिशियल में आप हज़रात का खैर मकदम। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से आप अच्छे होंगे। इस मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि शादी के बाद कुछ औरतें और कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जो दो तीन चार पाँच साल तक औलाद पैदा करना ऐब समझते हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो मेरी खूबसूरती में फ़र्क पड़ जाएगा, मेरे जिस्म पर फ़र्क पड़ जाएगा, हो सकता है मैं मोटी हो जाऊं, हो सकता है मेरा जिस्म फरबा हो जाए। तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के सोच जो है उनके जहन में रहती है। याद रखिए, ऐसी औरतें कि जो शादी के बाद औलाद पैदा नहीं करना चाह रही हैं, समझ रहे, वो औरतें सबक हासिल करें कि हो सकता है अभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दे रहा हो और आप ले नहीं रहे, बाद में अल्लाह ना दे और आप फिर हाथ फैलाए फिरते रहें, आप फिर इधर उधर भागें। तो बेहतर यही है कि शादी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद दे रहा है तो ले लीजिए, समझ रहे। ये ख्याल ना किया जाए कि औलाद की वजह से मेरी खूबसूरती में फ़र्क पड़ जाएगा या मेरे जिस्म पर फ़र्क पड़ जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, ये सारी चीज़ें ख्याल में, जहन में नहीं आनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे काली औरत पसंद है जो बच्चे पैदा करे, ऐसी खूबसूरत औरत से जो बच्चे पैदा ना करे। तो तुम्हारी खूबसूरती किस काम की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन औरतों को पसंद फरमाते हैं जो काली हो लेकिन बच्चे पैदा करें। आका फरमाते हैं, मुझे वो औरत पसंद नहीं जो खूबसूरत हो और बच्चे पैदा ना करें, समझ रहे। तो याद रखिए कि वो मर्द और वो औरतें जो शादी होने के बाद बच्चा पैदा करने से कतराते हैं, यानी वो ये सोचते हैं कि यार अभी अगर बच्चा पैदा हो गया तो जिंदगी में एंजॉय कहाँ होगा, अभी तो एंजॉय करो, अभी तो खूब जो है एंजॉय करो, इधर घूमो उधर घूमो और दो चार साल के बाद देखेंगे। अब दो चार साल के बाद आप देख रहे हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन गजबनाक हो गया है, अब वो आपको औलाद नहीं दे रहा। तो आप कभी किसी बाबा के पास, किसी मौलाना के पास, किसी इसके पास, किसी उसके पास भागे फिर रहे हैं। इसलिए चाहिए कि इधर उधर ना भागना पड़े। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपको दे रहा है तो शादी के बाद औलाद ले लीजिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही कीमती तोहफा है। आका फरमाते, वो औरत जो शादी के बाद औलाद पैदा करने से कतराती है, सरकार फरमाते हैं वो जन्नत तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू से भी दूर रहेगी, यानी जन्नत की खुशबू भी उसको मैसर नहीं होगी। कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इताब है, इसलिए इस इताब से बचें और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मुकम्मल यकीन रखें। और शादी के बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद दे रहा है, औलाद लें। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही।